बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए मुल्तान की सौगात, मुल्तानी डोली स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये बनती है। वैसे ये स्पेशली रेसिपी तो मुल्तान की है, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त सी फ्लफ़ी, फुटबॉल की तरह सॉफ्ट सी बन के तैयार होती है कि तमाम शहरों में इसको शौक से बनाया और खाया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी फूल के फुटबॉल की तरह फ्लफी मज़ेदार सी ये डोलियां बनके तैयार हुई हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी बड़े बर्तन में जिसमें आटा गूंथते हैं ना, उसमें मैंने लिया है मैदा। मैदा है हमारा 3 kg। उसमें मैं ऐड करूँगी घी। घी हमारे पास है 1/2 कप, ठीक है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है अच्छे से और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक ब्लेंडिंग जार लिया है मैंने, उसमें मैं ऐड करूंगी 3 पाव है मेरे पास चीनी। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने एक मिक्सचर रेडी करना है जिससे हम उस आटे को जो है ना, मैदे को गूंदेंगे, ठीक है। और 3 पाव ही इसमें जाएगा दही, ठीक है। 3 पाव चीनी, 3 पाव ही दही जाएगा इसमें। दही इसमें हम ऐड कर देंगे। दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 tablespoon है मेरे पास हरी इलायची, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। मिक्सचर को मैंने कर लिया था ब्लेंड और इसको मैंने निकाल लिया है एक जग में। और अब मैं जग में ऐड करूंगी 1 कप दूध। दूध हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के करीब। और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी बेकिंग सोडा, ये है मेरे पास 1 teaspoon। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बेकिंग सोडा आपने यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ करना। और इसको किसी भी स्पून की हेल्प से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया। तो ये देखिए, अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे और जिस तरीके से आटा गूंदते हैं ना, उसी तरीके से हम इसका आटा सा गूंद लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे इस तरीके से। बहुत ही सॉफ्ट डो हमने जो है ना, वो रेडी कर लेनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं डो फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मुखियां लगाते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते हैं डो हमारी रेडी हो चुकी है। इतना सॉफ्ट आपने ना इसको रखना है, ठीक हो गया। अब इस डो को ना हमने किसी बड़े से बर्तन में डाल देना है ताकि इसको राइज होने में आसानी रहे, ठीक है। और इसको अब हम कवर कर देंगे इस तरीके से और 2 घंटे के लिए इसको मैं रख दूंगी धूप में। 2 घंटे हो चुके हैं, डो हमारी सेट हो गई है। इसको मैंने रख लिया है टेबल पे और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक प्लेट में मेरे पास है मैदा, एज अ खुशका हम इसको यूज करेंगे। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से हाथ पे लगा लेंगे और इधर से हम लेंगे छोटा सा पेड़ा। इस तरीके से हम इसका पेड़ा बना लेंगे। जितनी आपने डोली का साइज रखना है ना, उस हिसाब से आपने इसका पेड़ा बना लेना है, ये देखिए, ठीक है। और इसको अब हम इस तरीके से प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे साइड पे। ये देखिए, इसको इस तरीके से हम करेंगे प्रेस। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरीके से रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपने इसको बनाना है। अब हाथ की हेल्प से ना हम इसको बढ़ा लेंगे, जितनी आपको पसंद हो ना उसी हिसाब से। ये देखिए, ये साइज मैंने रखा है और आप इसकी थिकनेस भी इसमें चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी मैं रेडी कर लूंगी। 1.5 liter के करीब कुकिंग ऑयल, फ्लेम हाई है और ऑयल हो गया हमारा अच्छे से गर्म और इसको हाई फ्लेम पे ही हम फ्राई करेंगे। एक डोली मैंने इसमें डाल दी है और साथ के साथ ही हम इस तरीके से इसको चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते रहेंगे जिससे कि ये फूलेगी, ठीक है। इस तरीके से प्रेस करते रहना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हाथों से। साथ ही अब हम इसकी साइड इस तरीके से चेंज कर देंगे और प्रेस करते हुए ना हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से सारी में जो है ना तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए, कितनी जबरदस्त सी फुटबॉल वाली डोली जो हमारी बन के तैयार हुई है। अब हम सेकंड वन इसमें डाल देंगे, दूसरी भी मैं आपको फ्राई करके दिखा दूँ इसमें। ये देखिए, गरम गरम ऑयल में आप डालेंगे और हल्का हल्का सा ना हमने इसको प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का हल्का, तो ये फूलती जाएगी। ये देखिए, माशाल्लाह
कितनी जबरदस्त से ये फूल के तैयार हुई है, जैसे फुटबॉल होती है इसी तरीके से हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे। और मैं आपको एक टिप देती चलूं, आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, ना जलाना है, और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से जो है ना आपने इसको प्रेस करते रहना है। ये देखिए दोनों साइड्स पे प्यारा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे और अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए है ना फुटबॉल बिल्कुल। तो लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मज़ेदार सी फुटबॉल जैसी हमारी डोलियाँ। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।